से जो पहला लेक्चर मैंने डिस्कस किया था उसमें अनपैक्ड बिजी नंबर को हमने सेवन सेगमेंट डिस्प्ले पे उसको हमने कोड में कन्वर्ट किया और फिर उसको हमने उसको डिस्प्ले किया सेवन सेगमेंट कोड डिस्प्ले पर। तो जो बेसिक वो प्रोग्राम है वो जो है वो सेम रहेगा, हट है वो इस पूरे बाकी जितने भी बीसीजी टू सेवन सेगमेंट कोड कन्वर्जन वाले प्रोग्राम है सबका हट वही प्रोग्राम है ना। तो एक बार उसको देख लेते हैं और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक हमने लुकअप टेबल बनाई हुई है, डेटा मेमोरी लोकेशन या इसको रैम बोल सकते हो, रैम में इसे बफर लोकेशन बनाई हुई है। तो जो हमारे डेसिमल डिजिट हैं 0 से लेकर 9 तक, तो 0 को जो हमारा डेसिमल नंबर है या उसको बीसीडी नंबर बोल सकते हैं, तो क्योंकि वो जब बाइनरी में उसको कन्वर्ट करेंगे तो वो बीसीडी कोड हो जाएगा ना। तो उसको हमने कंसिक्यूटिव मेमोरी लोकेशन एक सिक्वेंस में, तो 2070 से लेके 2079 तक हमने इसको फीड करा दिया। तो 0 का जो कोड है सेवन सेवन सेगमेंट में कॉमन कैथोड स्पेशली उसका है 3F, तो उसको 2070 इस पे डाल दिया। उसके बाद 2071 पे 06 डाल दिया, वो ये 1 का कोड है। फिर 2 का कोड 2072 मेमोरी लोकेशन पे 5B, इस लोकेशन में 5B सेव। तो इस तरह ये हमने कोड उसमें फीड करा दिए पहले, ठीक है। अब उसके बाद हमने प्रोग्राम लिखा, तो जो हमने लुकअप टेबल बनाई उसका एक स्टार्टिंग एड्रेस होगा, जैसे स्टार्टिंग एड्रेस यहाँ पर है 2070, तो 2070 उसको हमने यहाँ पर एक डेटा पॉइंटर बनाया क्योंकि हमें मेमोरी से उठा के लाना है, डेटा मेमोरी से उठा के लाना है, तो डेटा पॉइंटर बनाना पड़ेगा, डेटा मेमोरी पॉइंटर। तो वो HL रजिस्टर पेयर है, तो 3 हम पॉइंटर बना सकते हैं, पर HL में ये है कि हम इंस्ट्रक्शन जो है ये M वाली उसको यूज़ कर सकते हैं, है ना, तो प्रोग्राम ईजी हो जाता है। तो HL को हमने डेटा पॉइंटर लुकअप टेबल का बनाया, और उसके बाद जो नंबर है तो 0000 से लेके 09 तक हम कुछ भी डिस्प्ले करा सकते हैं, किसी को भी हमें सेवन सेगमेंट कोड में कन्वर्ट करना है और उसके बाद डिस्प्ले कराना है, बस उसके सिंपली पोर्ट पे सेंड करना है। तो नंबर लिया 02, तो 0 से लेके और 09 तक कोई भी नंबर हम ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक यूनिक नंबर दिया है 02, यूनिवर्सल प्रोग्राम नहीं है, है ना, हर बार इसके लिए प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, कोई भी नंबर डिस्प्ले कराना है तो ये सब लाइन लिखनी पड़ेंगी, बस यहाँ पर ये चेंज करना पड़ेगा, ठीक। तो 2 दिया, अब ये एक्यूमुलेटर में हमने इसको स्टोर किया, और एक्यूमुलेटर क्या करेगा, अब हमारा जो 2 का जो कोड है वो कहाँ पर है, 2072H मेमोरी लोकेशन पे, ये हेक्स में है सारी मेमोरी लोकेशन, ओके, यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किया है ना। फिर तो अब हमें इस लोकेशन पे पहुँच रहा है, यानी HL के जो कंटेंट हैं वो क्या हो जाए, 2072 हो जाए, और फिर वहाँ से हम 5B को उठा के पोर्ट पे जहाँ पर भी सेवन सेगमेंट डिस्प्ले कनेक्ट किया हुआ है, जैसे यहाँ पर 05 है उस पर हमें सेंड कर देना है। तो क्या करेंगे, तो अब जब यहाँ पर जब ये इंस्ट्रक्शन है LXI HL और HL रजिस्टर पेयर है 2070H, तो H में 20 है और L में 70 है, तो इसको जो एक्यूमुलेटर कंटेंट है जो भी नंबर डिस्प्ले कराना है उसको L के साथ ऐड करा देंगे। तो ऐड किया है तो यहाँ 70 था और यहाँ पर क्या बन गया, 72, ठीक है। तो ऐड कराया, ऐड करने के बाद क्योंकि रिजल्ट एक्यूमुलेटर में स्टोर होता है, तो उसके बाद वापस उसको L में डाला, अपडेट किया, तो अब L के जो कंटेंट हो गए वो हो गए 72 और H के कंटेंट 20 रहे। पर जब HL रजिस्टर पेयर की बात आएगी तो उसके कंटेंट क्या हो जाएंगे इस पॉइंट पे, यहाँ पर वो हो जाएंगे 2072H, है ना, 2072H। तो वहाँ से हमने भी ये इंस्ट्रक्शन लिखी, तो HL के जो कंटेंट हैं 2072, सही है, तो HL का जो जो है वो है 2072, और उस लोकेशन पे जो डेटा स्टोर है वो है 5B, तो वो है सेवन सेगमेंट कोड ऑफ 2। तो उसको हमने सेंड किया ए में, तो अब ए में हमारा है 5B, और उसके बाद एक्यूमुलेटर से उसको पोर्ट पे डाल दिया 05H पे, तो 5B तो मेमोरी से उठ के आया एक्यूमुलेटर में और एक्यूमुलेटर से उठ के गया पोर्ट में, सही है। तो 05 जो पोर्ट है जहाँ पर सेवन सेगमेंट हमारा डिस्प्ले लगा हुआ है उस पर हमने उसको डिस्प्ले करा दिया। अब कितनी देर डिस्प्ले कराना है, तो यहाँ पर कॉल डिले, तो कीप द बीसीडी नंबर डिस्प्ले फॉर स्पेसिफाइड टाइम, तो डिले का प्रोग्राम आपको लिखना है कितने टाइम तक कराना है, 1 सेकेंड कराना है, 2 सेकेंड कराना है, 5 सेकेंड कराना है, मिली सेकेंड में कराना है ना, तो वो चॉइस आपकी है। उसके बाद टर्मिनेट द प्रोग्राम, तो डिले खत्म होकर आएगी और उसके बाद टर्मिनेट हो जाएगा, तो सिंगल नंबर के लिए। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो पहले प्रॉब्लम का स्टेटमेंट हम पढ़ लेते हैं, राइट एन असेंबली प्रोग्राम टू डिस्प्ले ए ब्लॉक ऑफ डेटा, और ब्लॉक ऑफ डेटा जो है वो हमारा सब पैक्ड बीसीडी नंबर है। तो अभी तक हमने जो प्रोग्राम बनाया वो छोटा प्रोग्राम बनाया अनपैक्ड बीसीडी नंबर का, अब हमें पैक्ड बीसीडी का करना है।
द लेंथ ऑफ द ब्लॉक इज इन मेमोरी लोकेशन 2200H। तो पहले पहली लाइन को समझ लेते हैं, इस लाइन को समझते हैं, है ना। तो पैक्ड बीसीडी नंबर क्या है? तो अब सिंपली कोई नंबर है, सपोज करो नंबर है हमारे पास 76, ठीक है। तो ये नंबर हमारा सेव है, इसको बोलेंगे हम पैक्ड बीसीडी। अब पैक्ड बीसीडी क्यों बोलेंगे? सपोज करो हमारे पास है 06 और 07, हमारे पास दो नंबर हैं, सही है। तो 06 का जो कोड बनेगा वो बनेगा सिंपली 8 बिट के केस में अगर हम लें, क्योंकि हमारा 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है। तो अगर 06 को हमें स्टोर कराना है तो इसका जो कोड बनेगा 00000110, और 7 का बनेगा 0000 और 0111। ये है 7 का कोड, ठीक है, जो बीसीडी कोड है। वैसे तो 4 निबल में ही काम हो जाता है ना, 4 निबल में। पर ये 4 निबल जो सॉरी 4 निबल नहीं, फोर लोअर 4 बिट, मतलब लोअर निबल, 8 बिट में 2 निबल होते हैं, तो लोअर 4 बिट में ही काम हो जाता है। यानी 1 निबल काफ़ी है एक नंबर को, अनपैक्ड नंबर को स्टोर कराने के लिए। पर क्योंकि 8 बिट का हमारा है जो प्रोसेसर है 8085, अब ये जो एक्स्ट्रा जो 4 बिट है, सही है, तो इसमें अब 00 स्टोर होगा, तो ये क्या हो रही है, वेस्ट हो रही है। तो इसको क्या करते हैं, इसको पैक्ड करा देते हैं। पैक्ड कराने का क्या मतलब है, इसको हमने 76 बना लिया। तो ये 76 जो है बेसिकली ये 2 डिजिट नंबर नहीं है। अगर इसको पैक्ड बीसीडी नंबर लिखा है तो 7 अलग है, 6 अलग है, बात समझ रहे, ठीक है। तो अब इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, तो 7 का कोड 0111, ठीक, और उसके बाद 6 का कोड 0110, इसको हम इस तरह एक सिंगल 8 बिट में स्टोर करा देंगे। तो यहाँ पर हमारी 2 बाइट यूज़ हो रही थी 6 और 7 को स्टोर कराने के लिए, पर जब इसको आप पैक्ड बनाओगे तो सिर्फ एक ही सिंगल बाइट में काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक सिंगल बाइट में इसको हम स्टोर कर सकते हैं, ठीक। पर अब प्रॉब्लम यह है कि जब इसको आप अब दोबारा उसको अगर आपको डिस्प्ले कराना है या यूज़ करना है, तो 76 को वापस अलग करना पड़ेगा 6 7 में। तो जैसे कि यहाँ पर है, तो यहाँ पर 6 को पहले अलग करोगे, अनपैक्ड करोगे, और 7 को भी अनपैक्ड करोगे, ठीक है। तो अब इसमें ट्रिक क्या है, तो ट्रिक ये है कि कोई 76 है हमारे पास कोई नंबर, है ना। तो इसको क्या करेंगे, 76 को 0F के साथ इसको एंडिंग करा देंगे। तो 76 जो बनेगा वो हमारा ये कोड है, सही है। तो यहाँ पर इसको मैं 0F करा देता हूँ, तो 0F से इसकी एंडिंग कराई, तो एंडिंग में इसका जो कोड बनेगा 0000 और F का 1111। तो नीचे की 4 निबल एज इट इज़ आ जाएंगी, जो ये वाली है ना भाई, 010111 111 और 1 के एंडिंग कराएंगे 0 के साथ, तो 0। ऐसे ही ये सब बनेगा 0000, तो ये बना। तो क्या बचा यहाँ पर, 06 अनपैक्ड हो गया, 76 में से 6 आ गया। ऐसे ही जब हम 76 को लेके और इसको हमें अगर हम एंडिंग कराएं 76 की F0 के साथ, तो आना चाहिए 70, हमें क्या चाहिए 07। तो अब क्या करें, जो इसको है मतलब 7 और 0, तो ये क्या है बेसिकली, 7 है 0111 और 0000, ये 0 को रिप्रेजेंट करने के लिए 4 बिट में, ठीक है, हेक्स नंबर है, या उसको आप बोल सकते हो बीसीडी नंबर, है ना। तो अब इसको क्या करोगे, अब इस वाली निबल को इधर ले जाना है और इस निबल को इधर, तो इन दोनों को क्या करना है, एक्सचेंज करना है। तो एक्सचेंज कराने के लिए या तो रोटेट करा दो, तो रोटेट कितने बार कराना पड़ेगा, 4 बार। या तो 0 को इधर लाओगे, फिर 1 को इधर लाओगे, फिर इस 1 को इधर लाओगे और इस 1 को इधर लाओगे, और ये ऐसे ही इधर शिफ्ट हो जाएंगे। तो चाहे इसको रोटेट राइट करा लो, चाहे रोटेट लेफ्ट करा लो, पर कराना पड़ेगा 4 बार, ठीक है। तो यहाँ पर है निबल को हमें एक्सचेंज करना है, मेनली काम ये है। तो जब इसको एक्सचेंज करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 07, है ना। और फिर जब 06 और 07 अलग अलग हुए हमारे, तो अब आगे क्या करेंगे, तो 06 का जो भी 7 सेगमेंट कोड है फिर उसको उठा के लाना है। तो वहाँ से हमारा वो प्रोग्राम शुरू हो जाएगा जो हमने पहले मैंने अभी डिस्कस किया था इस लेक्चर के स्टार्टिंग में, समझ रहे बात, ठीक है ना। तो पहले प्रोग्राम इसके लिए लिखना है, ठीक। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं दूसरी लाइन को भी। तो दूसरी लाइन में हमारा है,
तो दूसरी लाइन में हम थोड़ा सा मेमोरी बना लेते हैं, और उसकी लोकेशन में वो जो डेटा हमारा फीड है, जो ब्लॉक ऑफ डेटा है, वो किस तरह है उसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट है, द लेंथ ऑफ द ब्लॉक इज़ इन मेमोरी लोकेशन 2200H एंड द ब्लॉक इटसेल्फ बिगिंस फ्रॉम द मेमोरी लोकेशन 2201 है। तो कोई भी हमारा वहाँ पर डेटा पड़ा हुआ है, तो सपोज़ करो वो हमारा क्या है, डेटा मेमोरी या रैम में पड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर रैम बना लेते हैं, सब तेजा तेजा बन रहा है, तो इसको एक बार मैं करेक्ट कर लेता हूँ। पैड पे काम करना थोड़ा सा अभी ट्रिकी हो रहा है। चलिए, तो ये हमारी हो गई रैम। ठीक है जी, तो ये जो लोकेशन है यहाँ पर, ये लोकेशन है 2200H, और यहाँ पर जो पड़ा हुआ है लेंथ ऑफ द ब्लॉक। तो लेंथ ऑफ द ब्लॉक का मतलब है कितने पैक्ड बीसीडी नंबर हैं। तो सपोज़ करो यहाँ पर लिख दिया मैंने 4। ठीक है, ये एज्यूम करो, यूनिवर्सल प्रोग्राम तो हम बनाएंगे ही, पर फिलहाल पहले हम एज्यूम करके उसके स्ट्रक्चर बना लेते हैं प्रोग्राम के। तो कुछ भी एज्यूम कर लो छोटा, जिसको आप सिंपली कर सकते हो। तो उसके बाद नेक्स्ट लोकेशन है 2201H, जहाँ पर कोई पहला नंबर पड़ा है। तो सपोज़ करो पहला नंबर 76 ही पड़ा है। ठीक है, उसके बाद 2202H कोई और नंबर पड़ा हुआ है ना, ये सब हेक्स में है, ये सब लोकेशन है, मेमोरी की लोकेशन है इधर। तो यहाँ पर सपोज़ करो 65H पड़ा हुआ है। तो ऐसे ही चलते चलते, तो 4 है तो 2201, 2, 3 और 4 तक, तो 2204H तक हमारा नंबर पड़ा हुआ है कोई। तो यहाँ सपोज़ करो 52H पड़ा हुआ है ना, और यहाँ पर कोई तीसरा नंबर है। तो इस तरह है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जो इस लोकेशन में, इसमें लेंथ है, तो लेंथ का मतलब है इतने टाइम लूप चलेगा। तो ये जो कंटेंट है इसको हमें डालने हैं काउंटर में। ठीक है, फिर नेक्स्ट यहाँ से नंबर है और इसको हमें उठाना है, पहले नंबर को इसको क्या करना है, अनपैक्ड करना है। तो इसको बनाना है 06 और 07, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे जाना है, फिर तीसरे नंबर पे जाना है, और फिर चौथे नंबर पे जाना है। ठीक है, तो पहला प्रोग्राम में क्या करेंगे, पहले प्रोग्राम में जो सब रूटीन में हम करेंगे ये काम, जो हम अनपैक्ड बनाएंगे, तो ये सब रूटीन में करेंगे, और उसके बाद फिर इसको कोड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो एक सब रूटीन तो बनेगा अनपैकिंग का, और दूसरा सब रूटीन बनेगा 06 07 का, जो बेसिकली 7 सेगमेंट कोड है। ठीक है, तो 7 सेगमेंट कोड इनके लाने हैं, तो उसके लिए भी एक हमारा सब रूटीन बन जाएगा। और एक सब रूटीन कितने टाइम तक आपको उसको डिस्प्ले कराना है, ऑलराइट? तो एक सब रूटीन कितने टाइम तक उसको डिस्प्ले कराना है, तो इसके साथ ही, डिस्प्ले के साथ ही उसको हम यहाँ पर, जो ये हमारा दूसरा सब रूटीन बनेगा, इसके साथ ही हम उसको ऐड कर देंगे, डिले सब रूटीन, एक फिक्स डिले का प्रोग्राम कोई। ठीक है, तो अब ये तो हो गए हमारी बॉडी। तो मेन प्रोग्राम में हमें क्या करना है, पहले तो इसको इनिशलाइज करना है। ठीक है, जो हमारा डेटा मेमोरी पॉइंटर है, ठीक, और लुकअप टेबल के लिए भी हमें एक पॉइंटर चाहिए, तो HL को ही ले लेंगे। ठीक है, तो HL अब दो पॉइंट कैसे करेगा, तो उसके लिए हम स्टैक का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो पहले एक प्रोसेस ख़त्म करके आएगा और उसको हम स्टोर करा देंगे स्टैक में, और जब हम दूसरी तरफ उसको यूज़ करेंगे, क्योंकि उसमें हर बार उसको इनिशलाइज करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो अब इसको प्रोग्राम को समझ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो बेसिक स्ट्रक्चर है, अब जैसे कि ये प्रोग्राम की है बेसिक स्ट्रक्चर, जो हमारा मेन प्रोग्राम है, तो उसमें क्या है, स्टैक पॉइंटर को इनिशलाइज किया सबसे पहले। ठीक है, तो स्टैक पॉइंटर को जब इनिशलाइज करेंगे, तो कोई भी आप चूज़ कर लो, तो 2500 मैंने ले लिया है, सही है, यहाँ पर गोंकर में स्टैक लिखा हुआ है सिंपली, तो वो क्या है, स्टैक मेमोरी की लोकेशन है। ठीक है, तो क्योंकि हम कॉल इंस्ट्रक्शन का यूज़ कर रहे हैं, तो स्टैक पॉइंटर को इनिशलाइज करना ज़रूरी है। उसके बाद हमने यहाँ पर डेटा पॉइंटर, HL रजिस्टर पेयर को एज ए डेटा पॉइंटर यहाँ पर पॉइंट करने के लिए, इसमें उठाने के लिए यहाँ पर, सही है, जो पॉइंट करेगा तभी वहाँ के जो कंटेंट है उठा के लाएगा, तो उसको इनिशलाइज कर दिया। ठीक, उसके बाद LXI B टाइम डिले, तो जो हम कितने टाइम तक तो उसको डिस्प्ले कराना है, तो टाइम डिले कोई नंबर। ठीक है, तो उसका जो प्रोग्राम है डिले वाला प्रोग्राम ये है, तो DCX B MOV A B ORAC JUMP IF NOT 0 डिले और रिटर्न।
तो ये प्रोग्राम है जहाँ पर हम रजिस्टर पेयर को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो रजिस्टर पेयर में कोई वैल्यू आएगी और उसके बाद वो प्रोग्राम है। तो कितने टाइम तक डिले देनी है तो वो आपको कैलकुलेट करना है। डिले का प्रोग्राम मैं पहले लिखवा चुका हूँ, इसमें लेक्चर में डिस्प्ले भी करा चुका हूँ, सॉरी डिस्कस कर चुका हूँ। तो वो अपने आप कैलकुलेट करोगे, तो स्पेसिफाई कुछ नहीं है कि डिले कितना है ना, प्रोग्राम में कहीं स्पेसिफाई नहीं है। तो सिंपली टाइम डिले जो भी नंबर है उसका हम यहाँ पर सेट कर देंगे, ठीक है। और ज़रूरी भी नहीं है, इसको हटा दो। अगर ये लाइन हटा दोगे तो फिर इसको भी हटाना पड़ेगा, और यहाँ से कॉल डिले इसको भी हटा दो, ठीक है। तो अगर डिले नहीं चाहिए तो प्रोग्राम में ये और सिंपल हो जाएगा। तो इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो, और यहाँ से इस लाइन को हटा दो, बाकी प्रोग्राम एज इट इज़ रहेगा, कोई चेंज नहीं है। उसके बाद फिर अब यहाँ पर डी को हमने यहाँ पर लिया है, जो डी है हमारा, इसको हमने बनाया है काउंटर, ठीक है। तो काउंटर बनाया है तो अब उसमें वैल्यू जो आएगी, इस 4 को हमें उसमें वहाँ पर स्टोर करना है। ये जो 4 है ये काउंट वैल्यू है, इतने टाइम तक, मतलब 4 नंबर हैं तो 4 बार हमारा लूप चलना चाहिए, तो उसको हमने डी में सेव करा दिया। तो 2200 को हमने इनिशियलाइज़ किया, और जब एम है वो इंडिकेट कर रहा है 2200 के जो कंटेंट हैं वो किस में आएंगे, डी में आएंगे। उसके बाद इसको इंक्रीमेंट कराया, तो इंक्रीमेंट कराने के बाद जब एच एल रजिस्टर पेयर को इंक्रीमेंट कराया, आई एन एक्स इंस्ट्रक्शन है, तो 2200 के कंटेंट हो गए 2201, ठीक है। और उसके बाद कॉल अनपैक, तो पहला नंबर अब है हमारा 76, ये 76 पहला नंबर है, इसको अब ये पॉइंट आउट कर रहा है जो हमारा एच एल रजिस्टर पेयर है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, अब यहाँ पर आ गया एच एल, कंटेंट हो गए 2201, और इसके बाद हमने सब रूटीन को कॉल किया, कौन सा, अनपैक, अनपैक करने के लिए 0607 के लिए। तो अब इस लोकेशन से 2201 76 पड़ा हुआ है उसको उठा के एक्यूमुलेटर में डाला, और उसके बाद वही एंडिंग ऑपरेशन कराया 0F, तो 0F कराया तो 76 से बना 06, और 06 जो अब एक्यूमुलेटर में पड़ा हुआ है उसको हमने आगे गए डिस्प्ले पे, तो डिस्प्ले पे आए। उसके बाद पुश एच, जो एच एल रजिस्टर जो हमारा यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं हम किसके लिए, ये वाली जो मेमोरी है, डेटा मेमोरी, जहाँ पर हमारे नंबर पड़े हुए हैं जो हमें डिस्प्ले कराने हैं, जो BCD नंबर वाला है, ठीक है। अब हमें डिस्प्ले में क्या करना है, जो हमने प्रीवियस प्रोग्राम यहाँ पर हमने ये डिस्कस किया था, तो यहाँ पर इसमें हमने HL को यूज़ किया हुआ है, डेटा मेमोरी पॉइंटर बनाया हुआ है, सॉरी जो लुकअप टेबल है तो उसका डेटा मेमोरी पॉइंटर, तो लुकअप टेबल के लिए भी सेम पॉइंटर यूज़ कर रहे हैं। तो अब क्या करना पड़ेगा, जो पहला वाला जो पॉइंटर है, जो डेटा पॉइंटर है 2200 के लिए, उसके जो भी कंटेंट है, यानी यहाँ पर 2201 है, तो उसके जो भी कंटेंट है उसको हमने स्टैक पर सेव करा दिया पुश एच से। अब हमारा HL जो है फ्री है, ठीक है, उसको हमने सेव करा दिया स्टैक पे। उसके बाद हमने क्या किया, उसको इनिशियलाइज़ किया, तो अब यहाँ पर 2304 जो फर्स्ट लोकेशन है हमारी लुकअप टेबल की, या जहाँ पर हमारा सेवन सेगमेंट कोड बफर मेमोरी जो लोकेशन है उसका पहला है। तो इसको आप यहाँ पर अगर 2034 यहाँ पर लिखो तो 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, इस तरह करके इसको आगे तक, तो मैक्सिमम 16 तक जाना चाहिए। अगर ये 16 से आगे बढ़ता है तो फिर एक प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि यहाँ पर ये 21 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही नंबर लेने हैं कि वो आपका 20F तक, 200F तक ही जाए, तो यहाँ पर बनेगा इसका 79, तो ये बनेगा 207F तक मैक्सिमम है इसका, ठीक है, और F के बाद 8 भी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी नंबर ले सकते हो, सही है। बस ये रखना कि जो लोअर बाइट है उससे अपर बाइट में कोई कैरी ना जाए, सही है, जो भी आपका 0 से 9 तक का जो भी है, बस इसमें ये रखना है कि यहाँ से और इसमें ना जाए, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसको 2304 में अब हमारा 0 का कंटेंट है, मतलब जो 0 हमारा डेसिमल नंबर है उसका जो BCD कोड है वो सेव है। तो अब उसमें क्या करेंगे, एड एल किया, तो एक्यूमुलेटर के कंटेंट यहाँ पर क्या थे, जब यहाँ पर डिस्प्ले कराया था एक्यूमुलेटर के कंटेंट थे 6, तो 6 हो गए इसके साथ ऐड, सही है। तो जब इसके साथ ऐड हुआ तो 6 का जो कोड है 04 के साथ, तो ये हो गया यहाँ पर 0A, उसको वापस एल में अपडेट किया तो अब वो बन गया 2300A, सही है। तो जो 6 की जो हमारे बेसिकली जो उसका 7 सेगमेंट कोड है उसको हमने डिस्प्ले करा दिया OUT05H पे, ठीक है। तो 2304 से आप उसको देख सकते हो। तो अगर मैं दूसरा प्रोग्राम है, हाँ ये रहा 2304 वाला,
तो 230A पे 6 का कोड है, ठीक है। तो इस तरह की लुकअप टेबल बनेगी, ठीक। और जब हमारा एक बार वो डिस्प्ले हो गया तो हमारा अब इस सब रूटीन का काम खत्म हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, वापस HL के कंटेंट यानी 2201, अब वापस इस पे आना है जहाँ पर हमारा BCD नंबर है। तो कोड वाला काम खत्म हुआ, तो जहाँ सेवन सेगमेंट कोड पड़े थे तो वहाँ से उसका काम खत्म हुआ। तो अब वापस क्या करेंगे, उसको रिट्राइव करेंगे जो HL कंटेंट हमने स्टैक पर डाले थे। तो स्टैक से वापस आ गए HL में, तो अब HL के कंटेंट वापस क्या हो गए, 2201। और उसके बाद रिटर्न, तो रिटर्न करेंगे अब आए इस वाले पे, ठीक है, मूव ए कोमा एम पे। अब इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे, इसको वापस लिया 76 को। अब इस इंस्ट्रक्शन के बाद, अब यहाँ पर 0F0H है, तो बेसिकली असेंबलर जो है, अगर मैं 0 ना लगाऊँ इसको, तो बहुत सारे असेंबलर हैं उसको एग्जीक्यूट नहीं करते हैं, ठीक है। तो 0 लगाते हैं तो वो उसको एज ए नंबर लेता है, अगर इसको 0 नहीं लगाओगे एज ए करेक्टर लेता है, तो वहाँ पर वो एरर जनरेट करता है। तो 0F0, तो जब वो एक्यूमेटर के जो 76 कंटेंट हैं उसके साथ F0 से जब हम एंडिंग कराएंगे तो वो बनेगा 70। अब 70 को बनाना है 07, तो RRC 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 चार बार किया, सही है। तो रोटेट विदाउट कैरी, थ्रू कैरी नहीं, वो नहीं तो कैरी वाली जो बिट आएगी वो फिर उस नंबर को गड़बड़ कर देगी, ठीक है। तो विदाउट कैरी हमें उसको मूव कराना है, मतलब शिफ्ट कराना है, रोटेट कराना है। तो अब ये बन गया 70 यहाँ पर, और 70 से ये चार बार शिफ्ट होने के बाद ये बन गया 07, तो 07 वापस आ गया। और फिर हम गए डिस्प्ले पे, डिस्प्ले पे फिर वही अगेन किया पुश H, तो जो कंटेंट है HL रजिस्टर पेयर के, तो उसको हमने सेव करा दिया, ठीक है। उसको हमने क्या करा दिया, सेव करा दिया स्टैक पे। और फिर वापस HL को दोबारा उसको रीइनिशियलाइज किया 2304H से, सही है। यहाँ पर H है, सॉरी ये हेक्स में है सारा, है ना। और उसके बाद एड एल, तो 04 के साथ अब 7 ऐड किया, तो वो बन गया 0B। और अब जो कंटेंट है इस इंस्ट्रक्शन के बाद HL कंटेंट है 2302H, और 2302H पे कोड है पड़ा हुआ है, 2302H पे कोड पड़ा हुआ है 07, जो कि है 7, जो BCD नंबर है उसका 7 सेगमेंट कोड, ऑलराइट। तो अब वो भी डिस्प्ले हो गया, ठीक है। तो आउट करा दिया 05 पे, उस पर डिस्प्ले हो गया। उसके बाद कॉल डिले और पॉप एच वापस रिट्राइव किया, 2201H है। और इस काम के बाद जब वापस आएंगे तो इसको इंक्रीमेंट कराएंगे, अब ये दूसरे नंबर पे, तो INXH किया, तो अब इसके कंटेंट हो गए 2202H, तो 2202H पे पड़ा हुआ है 65, ठीक है। उसके बाद डिक्रीमेंट डी, तो 4 से अब ये कितना हो गया, 3 हो गया। और जंप इफ नोट 0 अनपैक, वापस अनपैक पे जाएगा, और फिर इसको वही दोबारा रिपीट होगा। तो यहाँ पर जो डिले वाला दिया हुआ है, डिले वाला प्रोग्राम मैं पहले बता चुका हूँ, सही है। तो इसको आप समझ लें, और अगर इसमें दिक्कत हो रही है डिले वाले प्रोग्राम में, तो पिछले प्रोग्राम एक बार जो मैंने लेक्चर है उस पर उसको एक बार देख लें। और अगर नहीं है, यहाँ से ही आपको स्टार्ट करना है, तो इसको हटा दो, डिले को हटा दो, और यहाँ से इस डिले को भी हटा दो, ठीक है। और यहाँ से इसकी भी ज़रूरत नहीं है, तो ये तीन चीज़ें ख़त्म कर दोगे तो ये प्रोग्राम आपका सिंपली हो जाएगा कन्वर्जन वाला, ठीक। तो इसको मैं यहीं रोकता हूँ, इसमें कोई भी डाउट है तो एक बार आप उन कमेंट पे करें, मैं उसको कोशिश करूँगा बताने के लिए, ठीक। चलिए, वीडियो को लाइक करें, अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। चलिए, थैंक यू।